ओके, सो व्हाट दिस चेंज इन ट्रेंड या फिर हाउ टू फॉर गिविंग इफ यू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड ग्रेड ए ट्वेंटी में आपको प्रिपेयर करना है नाबार्ड ग्रेड ए ट्वेंटी एग्जाम के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए यू शुड नो दट वॉट क्वेश्चन वॉट वेर आस्क इन ट्वेंटी 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 टू

और कैसे वो उन क्वेश्चंस में में चेंज हुआ है एग्जाम वो आपको पता चले राइट सो दिस अ सिंपल टू अंडरस्टैंड कि देखो भाई 2019 में फेज वन तो ऐसा था लेकिन देखो, 22 में, यार, ऐसा निकल के आया सो वी गेट जब व्हेन स्टूडेंट्स गो फॉर एग्जाम दे गेट एंड दैट माय गॉड द एग्जाम पैटर्न हैज चेंज्ड एवरीथिंग द वे इन हैज चेंज्ड So, why students face this difficulty? Because they don't do trend analysis. And that is why today, here we will discuss the total trend analysis, how NABARD's trend changed from 2018 to 20 to 2021 to 2022. Right? So that we are well prepared for NABARD 2023. Now, let me tell you today what we are going to discuss. We are going to discuss different whatever eight subjects are there in phase one exam. We are going to take

इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग ये आपके क्वालिफाइंग सेक्शन वाले सब्जेक्ट है फिर दूसरा सेक्शन था मेरिट सेक्शन नाउ मेरिट सेक्शन के मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे कि आप फेज वन क्लियर कर रहे हो कि नहीं इसके लिए आपके मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट जैसे कि जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये तीन सब्जेक्ट्स के मेरिट मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे

इन के प्लस टू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सच एज पजल सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर रैंकिंग कोडिंग डिकोडिंग एंड इनइक्वेलिटी ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डेटा सिफिशियंटी एक एक या फिर दो दो क्वेश्चन आ जाएंगे तो इससे हमें अब ट्रेंड पता लग गया है कि ओके यार 21 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे 22 की मॉर्निंग शिफ्ट में ये थे और इवनिंग की शिफ्ट में ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए थे राइट right?

And in that paragraph, there would be some underlined sections. In those underlined sections, you have to substitute the options you have been given. Okay, so you have to select the appropriate options. So that becomes your close test. Grammatically correctness and incorrectness, paragraph-based question, that means they'll give you a paragraph on which three questions would be there, and you have to solve the, those questions. Phrases and idioms, word interchange, and choosing the correct words. Okay, here Year year-wide segregation has been given.

five questions were asked in, even in the evening shift of the year 2022 so plus five questions from here grammatical incorrectness and correctness again four to four, plus four questions okay Parabra paragraph based questions two plus questions fill in the blanks is also a favorite topic of NABAR. four to five questions are always asked okay and if you see word interchange correctness of words again three to five questions are asked so from this you understand which are the important topics

आप उसके भी क्वेश्चन देख सकते हो और इन्हीं टॉपिक्स के नीचे आप सेग्रीगेट कर सकते हो बट एज द सिलेबस वॉज चेंज इन द ईयर ऑफ इट इज मोर रिलेवेंट टू शो यू की टोटल एग्जाम पैटर्न सिलेबस चेंज होने के बाद क्वेश्चन के तरीके कैसे बदले ये हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड माइंड यू यू गो ऑन एनी ऑफ द यूट्यूब सेक्शन और एनी प्लेटफॉर्म सच डिटेल ट्रेंड एनालिसिस किसी ने नहीं किया

इन ईयर ऑफ 2022 कंप्यूटर अवेयरनेस की डिफिकल्टी बहुत ही बहुत ही डिफिकल्टी हाई थी okay? तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सॉल्व करने गए कंप्यूटर सो डू नॉट टेक एनी ऑफ द सब्जेक्ट लाइटलीकेर बेसिक्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से हार्डवेयर एंड मेमरी सॉफ्टवेयर एंड मेमरी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिलेटेड टू कंप्यूटरेशन डेटा बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी लैंग्वेजेस जैसे कि उससे रिलेटेड या फिर बाइनरी लैंग्वेज उसका एक क्वेश्चन नाबार में आया है राइट देन कम्स शॉर्टकट एंड एमएस ऑफिस जो इनका फेवरेट टॉपिक है क्योंकि एमएस वर्ड एम 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 एस एक्सएल एम एस आपका प्रेजेंटेशन ओके okay, इनके शॉर्टकट पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक्स अब देखो बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर से ऑलमोस्ट इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हार्डवेयर एंड मेमरी फोर क्वेश्चन एवरेज सॉफ्टवेयर एंड मेमरी सिस्टम्स थ्री टू टू क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ नाबार्ड वन टू थ्री क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन इसमें आपका हिस्ट्री आ जाएगा हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैक so, से रिलेटेड सो दिस इज फेवरेट टॉपिक टू टू थ्री क्वेश्चन अगेन ऑन दिस हिस्ट्री ऑफ जनरेशन देन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से ऑलमोस्ट क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा नहीं गया है डेप्थ में

All the topics. There are some important topics which is having major chunk or questions which are asked in the exam. So you can prepare those topics and get major marks in the rest of the subjects. But for quant, look at proper. Look at these topics: time and work, average, mensuration, ratio, ages, simple interest and compound interest, simplification, time and speed, data interpretation, quadratic equation, partnership and profit and loss. If you not from any one topic. More than two to three questions are asked. Now, for only data interpretation, six question or five plus questions were asked each year. So look at this. But as you all know, data interpretation may a paragraph hota hai. One paragraph is given, and five questions are associated with the same paragraph. So I don't think so. Ki, they have asked five or six questions from the same topic. Okay. So you could see whatever topics are there in the quant from each topic, one to two questions are only asked. That means what? All the topics of quant are very very important. Quant may have SNECA that this topic time and work is important and ages is not important. No, you cannot do this in nabat grade a exam because quant, if you see, look at the questions which are asked. Every from every topic, one, one or one to two, two to three questions are asked in the exam. So here a good equal distribution is there for all the topics of the quant. So do not गेट हेस्टी एंड कंसिडर की बस इंपॉर्टेंट टॉपिक वो करके चला जाऊंगा और एग्जाम क्लियर करूंगा नहीं ऐसा नहीं है नाबार्ड सारे टॉपिक्स को कंसिडर करता है और एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट डोट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट इट्स ठीक है टॉपिक्स एक बार समझ लेते हैं टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग के थोड़े से टेक्निक्स यहां पर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए biases heuristics and traps this is one of the important sections of whole decision making only ki biases kya hote theek hai decision making model or theory okay then comes types decision making ke decision making process kis tarah se decision lena hota hai and decision making and leadership style and forecasting is the last topic if you see in total questions which are asked bias is a very favorite topic of the nabard exam two to four questions are asked in context of biases

बैंकिंग इकोनॉमिक फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स नहीं कोई बैंक बन गई ओके नया कोई मर्जर हो गया ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन दी सेक्शन स्पोर्ट्स ऑथर एंड बुक्स ये तो जीए का फेवरेट टॉपिक्स है नेशनल कैंपेन कंपनी रिलेटेड न्यूज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट डेज फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली पूछा गया था दी फार्मर्स डे या फिर नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे ठीक है ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो माइंड यू देन द नेक्स्ट टॉपिक्स रिलेटेड टू ओनली आर

In total, topic if you see for the year, if you see, major of these topics similar to quant, one one question at least is asked from these topics. So look at this, for example, banking related as this is a regulatory bodies exam. Banking, finance, economy related current affairs, three questions were asked in 2022. Also, evening shift, two questions were asked, and rest of the topics which are there, one one question is always asked. So what is important here? Again, covering all these topics.

more than one questions are asked in the all these topics so i have to cover all these topics this is how the trend has been changed now in ga there has been one specific trend which is changed throughout the year previously in the year of 2018 to 2019 and 2020 until the syllabus was changed the general awareness questions were direct okay there was no analysis and random static questions were asked okay but now as syllabus and pattern has changed

रिसेंट स्पोर्ट इट मे बी एनी रिसेंट डेफिनेटली आपको एग्जाम में ग्रेड में पूछे जाएंगे सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जनरल डायनेमिक इन नेचर दिस इज वॉट आई कैन टेल यू इन अवर टोटल ट्रेंड एनालिस हाउ इट चेंज थ्रू आउट द मेन कोर ऑफ अवर नाबार्ड एग्जाम ई एस आई एंड ए आर डी वेन यू लुक एट सी एस आई दीज आर ऑल द टॉपिक्स

All economic and social issues, current affairs. What do you mean by current affairs? Simple. Government schemes and campaign. Look at the questions which are asked. gives me 12 question buys or morning and evening shift, almost 15 to 18 questions. Look at the change, uh, Look at the chunk of the question which is asked. Out of 40 questions, if in 2022 evening shift, if 18 questions are asked, this is more or less 50 percent. कमिंग फ्रॉम डिरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम्स सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स इज फॉर द नाबार्ड ग्रेडे एग्जाम इसलिए मैं आपको दोहराते रहता हूं दैट फॉलो मनीसर सीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स ओके नाउ लेट कम टू रिपोर्ट एंड इंडिया अगेन प्लस फाइव क्वेश्चन फोर सेवन सिक्स धिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अवर पी आईबी टू टू फोर सेवन पी आईबी करंट अगेन पी आई बी ऑल्सो थ्री टू फोर क्वेश्चन So, in total, from government schemes and PIB, in totality, if you see out of 40 questions, more than 20 questions are asked. That means 20 to 25, and sometimes even 30 questions come from these three topics only government schemes and PIB, and all the reports related to ESI. Okay? Then the topics are action bills, economic statistics, that means, for example, contribution of particular sector in GVA, GVA national and international event, uh, events, census. सेंसस डेटा इज ऑल्सो आस्ट माइंड यू ओके तो 2011 का सेंसस का आपको डेटा भी देखना पड़ेगा द ऑल द इंपॉर्टेंट स्टैट्स एंड डेटा कमिटीज इफ दो इफ दो आर रिसेंटली इन अ न्यूज बिफोर द एग्जाम देन कम्स कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 100% परसेंट देर इज ऑलवेज मोर देन टू क्वेश्चन विच कम ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स तो फ्रॉम आर्टिकल वन टू आर्टिकल फिफ्टी वन ए आपको सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छी तरीके से करने दीज आर फ्री

बट ऑल दिस इज स्टैटिक फ्रॉम कोर इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक सो दॉर ई एस आई यू वुड हैव नाउ अंडरस्टैंड ई एस आई इज ऑल अबाउट करंट एंड डायने दो से चार क्वेश्चन पूछे जा रहे धिस इज वॉट द ट्रेंड एनालिस शोज यू थ्रू आउट दर देन कम्स एआरडी वेन ए टॉक अबाउट एआरडी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम आवर्स पॉइंट ऑफ व्यू ओके

फ्रम इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप एग्रोक्लाइटिकोन सीड ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्री एक्सटेंशन राइलैंड एग्रिकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम फार्मिंग सिस्टम एनिमल हस्बंड्री फॉरेस्ट्री फिशरी इरीगेशन एंड वॉटर रिसोर्सेस सॉइल साइंसेस हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन एग्रीमेटरियलॉजी एनवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज सारे आपके चैप्टर हो गए एआरडी के अब देखते एनालिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर इन एआरडी इज ऑल्वेज एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड फैक्टर्स फील्ड क्रॉप्स वाई

the organic farming is going on boomingly in these years. so nabard is putting one or two questions related to recent techniques related to organic farming. okay. then comes agri-extension, dryland agriculture, somewhat, somewhat less important chapters, cropping system and farming systems, very important chapters. two to four questions and even five questions sometimes are asked in the exam. agri-mechanization and engineering, again one to two questions.

Right? so such questions or terms which are related to animal husbandry, those are always in Nabad exam. These terms Nabad has an habit. Okay, so all the animal husbandry related terms like lactation, uh, gestation period, right, uh, then estrous cycle, all these such terms Nabad is very interested in such terms in asking in animal husbandry section. Then comes forestry. Again an important chapter. Two to three questions are always asked from forestry. Fisheries again an important chapter. Again, two to three questions are asked. This is one of the important chapters. Irrigation and water resources, two to three questions, important chapter. Soil sciences, again an important chapter, two to three questions here are asked. Then comes horticulture and plantation. So animal husbandry and horticulture and plantation and forestry. These are the three most important chapters in EID. Look at the horticulture section. Two to seven questions and almost 11 questions are also asked in the NABARD.

Your rural development and Panchayati Raj is also very, very important topic. Similarly, they may ask, they, Nabard now recently has a habit of asking again constitutional articles related to Panchayati Raj. Ya yeah, from article 1 to 51. So, don't forget all these things. This was the analysis for ARD. We know now which are the important topics. Agronomy, field crops, seeds.

आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था बट नाउ इफ यू सी वॉट एवर इफ दे आर आस्किंग टू यू इट मे बी इन एनी सेक्शन ई एस आई ए आर डी जी एर दे क्वेश्चन इन ऑल दिस टॉपिक्स दीज आर ऑफ डायनेमिक नेचर डायनेमिक नेचर मतलब क्या फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर विच यू आर गिविंग द एग्जाम उस साल का करंट और डायनेमिक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनी न्यू चेंज इन ए आर डी दैट बिकम्स अटॉपिकाबार्ड एंड दे विल आस्क एनी इन्फॉर्मेशन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट करंट अफेयर्स okay for example suppose this year there has been change in msp related to sugarcane automatically they may ask you scientific name of sugarcane they may even ask you how much rupees is the msp for sugarcane crop in the year of 2023 2024 right they may even ask you frp related to uh, like sugarcane or any other crop so in this way they may ask you the question next thing is pattern and nature is replicating rbi exam नाबार्ड इफ एग्जाम क्वेश्चन इन विच दे आर आस्ट दे टू बी एज आरबीआई क्वेश्चनिस रिक्वायर्ड होता है आरबीआई के क्वेश्चन के लिए सिमिलरली नाबार्ड भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को आरबीआई की एग्जाम की तरह ही रिप्लीकेट कर रहा है दिस इज द टोटल ओवरऑल एनालिसिस फॉर द

होगा क्या आपके पास और एक क्लियर आपके पास पिक्चर होगा कि किस तरह से और किस सेक्शन से और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिस विल हेल्प यू अलॉट इन प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम थैंक यू